धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। ना इधर की बात कर ना उधर की बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, रहजन यानी कि डाकुओं से, मुझे रहजनों से गिला नहीं, जो राह में रूट लेते हैं उन डाकुओं से मुझे गिला नहीं है। तेरी रहबरी का सवाल है, तो तेरी रहबरी पे जब सवाल खड़ा होगा तो उस सवाल को लेकर बात करना बहुत ज़रूरी है। अब किसकी रहबरी की बात कर रहे हैं? किसी नेता की रहबरी की बात कर रहे हैं, किसी धर्मगुरु की रहबरी की बात कर रहे हैं, किसी मीडिया हाउस की रहबरी की बात कर रहे हैं, किसी टीचर की, अध्यापक की रहबरी की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी परिवार के मुखिया की रहबरी की बात कर रहे हैं। ना इधर की बात कर ना उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बात करना चाहता हूँ मीडिया को लेकर। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भूपू मीडिया बन चुका है। एक नज़ारा उसके सामने आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप भी देखिएगा, सोचिएगा और समझिएगा। ये वही मीडिया है वैसे, इसके बारे में इसका चरित्र पहले ही बता देता हूँ, जो कोबरा पोस्ट के कैमरे पर नंगा हुआ है, जिसने कहा पैसे दे दीजिए, राहुल गांधी को पप्पू कहलवा लीजिए, अखिलेश यादव को बबुआ कहलवा लीजिए, मायावती को बुआ कहलवा लीजिए, विपक्ष के तमाम नेताओं के बारे में चिखवा लीजिए, चिलवा लीजिए, उनको गद्दार बता लीजिए, जो कहिए वो करवा लीजिए और पैसा दीजिए, सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलकर नफरत के नाम, धर्म के नाम पर नफरत फैला लीजिए, सत्ता में बैठे लोगों को पूरा एक अवतार बतवा लीजिए, मतलब जो भी कुछ है वो तलवे चाटने को तैयार है, चाटुकारी करने को तैयार है, सिर्फ उसे अपनी दलाली से मतलब है। लेकिन दम वो भरता है नंबर वन होने का, दम वो भरता है नंबर टू होने का, नंबर थ्री होने का, ये आप लोग सोचिए। पर ये चीज़ जो हुई है वो सिर्फ टीवी में लागू नहीं हुई है। कोबरा पोस्ट ने सिर्फ टीवी चैनल का क्या नाम स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया था, कोबरा पोस्ट ने बहुत सारे अखबारों का स्टिंग ऑपरेशन किया था। दो अखबारों को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ। ये अखबार है हिंदुस्तान। 5.5 साल मैं भी इस अखबार में नौकरी कर चुका हूँ साहब। 2010 अक्टूबर 2010 में मैंने इस अखबार को ज्वाइन किया। फरवरी 2016 में मैंने इस अखबार से मुझे लात मार के निकाल दिया गया। क्यों? आजकल भक्तई ज़्यादा हो गई है ना साहब, और भक्तई के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो आपको लात मार के बाहर निकल दे रहे। खैर, अच्छा किया उन्होंने, आपसे जुड़ने का मौका मिला, ना वो बाहर निकालते ना यहाँ पे आते। वैसे इसके बाद दैनिक जागरण भी ज्वाइन किया था, उन्होंने भी यही हाल किया, अच्छा किया उन्होंने भी, ना वो ऐसा करते ना आपके सामने आते। तो इनकी फ्रंट पेज पे फ्रंट लीड देखिएगा जिसमें ये दे रहे हैं, 2014 से ज़्यादा 2019 में सीटें लाकर सरकार बनाएंगे अमित शाह, और SC ST एक्ट पर जो पूरा माहौल बना हुआ है उसमें लोगों को, समाज को समझाएगी बीजेपी। तो पहली खबर इसने बनाई है ये। इसके अलावा इस अखबार का अगर आप हाल देखेंगे तो 14 नंबर पेज पर इस अखबार के अंदर जाके आधा पेज का कवरेज है इसी चीज़ को लेकर। अब ये चीज़ क्या है वो समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग का पूरा कवरेज दिया है। लेकिन जहां बात आई मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और कांग्रेस के बड़े नेता भी ना हो तो विपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़ी सबसे पार्टी इस वक्त 44 सीटों वाली है, और वो है आपकी कांग्रेस, और सरकार ने पड़े उनको विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया है क्योंकि उनकी सीटें उतनी नहीं हैं। उसका भी एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि अगर इतनी सीटें आएंगी तो आपको विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाएगा। उनका बयान 14 नंबर पेज पे छापा है, जबकि वो कल 10 सितंबर को भारत बंद करने जा रहे हैं। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, महंगाई को लेकर वो कल भारत बंद करने जा रहे हैं, लेकिन वो खबर 14 नंबर पेज पे दो कलम की छापी है। ये खबर जो एक पार्टी की अपनी मीटिंग हो रही है, लेकिन क्योंकि वो पार्टी केंद्र में बैठी है, उस पार्टी की 20 के करीब राज्यों में सरकार चल रही है, और इनकी चाटुकारी दलाली इसी में चल रही है पूरे मीडिया की, सीधा समझ लीजिए। उनसे विज्ञापन मिल रहा है, ये मजे कर रहे हैं, कोई आपके लिए मीडिया नहीं चला रहा है। 25 रुपये का अखबार छपता है, 3 रुपये में बेच रहे हो, 22 रुपये वो सरकार से ही हटता है, और जब वो सरकार से हटता है तो सरकार के तलबे तो उसको चाटने पड़ेंगे, सरकार की खबरों को तो उसको बड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। तो ये इसका चरित्र है, आप पहचानिए। ये खबर इसने लीड ली है। अगर इसमें दम होता तो ये महंगाई पर, जो RBI की अभी रिपोर्ट आई है उस पर, राफेल पर जितने सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर, या लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं उस पर, उसको भी ये लीड खबर बना सकता था कि लोग ऐसे परेशान हैं। नहीं बनाया इस अखबार ने। खैर, ये इस अखबार का अपना चरित्र है, आपके पैसे से तो चल नहीं रहा है। अब दूसरा आ जाइए, ये साहब है आपका अमर उजाला, इसने ये सेकेंड लीड ली है।
ये भी इसने बीजेपी के इस पर अपनी खबर बनाई है और इसने इसी चीज़ को आधार बनाते हुए उसी कार्य समिति को इसने भी ये खबर लिखी है फ्रंट पेज पे। लेकिन इसने भी कमाल किया कि 18वें पेज पर जाके सोनिया गांधी का एक बयान छापा, कहा कि जो भारत बंद कल 10 सितंबर को होने जा रहा है उसका सीधा सीधा नेतृत्व करेंगी, उसकी जो कमान है वो सोनिया गांधी ने संभाल ली है। 18वें नंबर पेज पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको शर्म आए, समाज से हर लोग से हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है महंगाई का, उसको ये अखबार 18वें नंबर पेज पर छाप रहा है और उसको ये अखबार 14वें नंबर पेज पर छाप रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भोंपू मीडिया जो सिर्फ टीवी वाला है वही बैठा हुआ है, एनबीटी मेरे पास आया नहीं है, नवभारत टाइम्स उसका भी हाल आपके सामने रखता है और दैनिक जागरण इत्तेफाक से मेरे पास पहुँचता नहीं है, जो वेंडर आता है वह दैनिक जागरण मेरे पास नहीं ला पाता है। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके का मीडिया पूरे देश में बना हुआ है, किस तरीके की खबरों को प्रकाशित कर रहा है, अब इसमें ऐसा क्यों कर रहा है, पहला सवाल ये होता है। देखिए अब इससे ऐसा करने के पीछे दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ आप समझ लीजिए ताकि बीजेपी के प्रति एक माहौल बना रहे। हेडलाइन में आप ये लिखिए 2014 से भी ज़्यादा 2019 में बीजेपी की सीट आएंगी, अमित शाह ने दावा किया और बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाएगी। तो जो आम आदमी गाँव में बैठा हुआ पढ़ रहा है, जो लोग पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं पत्रकार भी लिख रहा है, भाई सब कुछ ऐसा हो रहा है 2019 में ये आएंगे, ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे जो विपक्ष का भारत बंद है जो महंगाई के मुद्दे में, उसको ले जाके इस 14वें पेज पे 18वें पेज पे डाले क्यों डाला है, लोग भी कह रहे कहां का करेंगे, इन पे होगा ही नहीं कुछ, इनसे कुछ नहीं होगा, इसलिए ले जाके उसको 14वें और 18वें पेज पर डाला जा सकता है। ये चीजें दो पहलू आपको बहुत समझने की ज़रूरत है और इन पर काम करने की भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए अपनी जिम्मेदारी भी समझिए, क्योंकि आपकी रहबरी पर भी सवाल है, ये लोकतंत्र आपकी रहबरी पे चल रहा है, आप इस लोकतंत्र को चला रहे हैं। सिर्फ वोट देना लोकतंत्र नहीं है, कि आपने अगर सिर्फ वोट देने को लोकतंत्र समझ लिया है तो आपको अपने नागरिक होने के अधिकार को एक बार समझना चाहिए कि क्या आप किसी के बहकावे में आके, कोई भी आएगा 5 साल बाद मजमा सजाएगा और आप जाके बटन दबा देंगे और आप सोच लेंगे कि आपने सही कर दिया, नहीं, 5 साल आपको इस पूरे लोकतंत्र की जिम्मेदारी निभानी है, इसके प्रहरी के तौर पे काम करना है, क्योंकि जो मीडिया का प्रहरी तीसरा प्रहरी चौथा प्रहरी बना घूमता है पिलर, वो तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ चुका है, उसको अपने धंधे देखने, किसी को अपना नमक बेचना है, किसी को अपनी चीनी बेचनी है, आपको लेकिन अपना देश, अपना संविधान, अपना लोकतंत्र, तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी के बारे में कि आप सिर्फ क्या वोट देंगे कि आप अपने लोकतंत्र को भी बचाएंगे। कैसी लगी खबर, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।